हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एक और नई मात्रा। इनके पहले हमने कुछ मात्राएं सीखी, आज हम एक और नई मात्रा सीखेंगे। ये कौन सी मात्रा है पता आपको? ये क्या है, ये कौन सा स्वर है? ये है ऋषे ऋषि, और ये ऋषे ऋषि की मात्रा है। ये ऋषे ऋषि की मात्रा, जो भी वो वर्ण होता है उनके नीचे ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट सी की तरह ऐसे छोटी मात्रा बनती है, इसे बोलते हैं री की मात्रा। तो आज हम ये एक और नई मात्रा सीखेंगे। पहले हम ये चित्र देखेंगे, चित्र देखकर हम उनके उनके नीचे यहाँ पे जो नाम लिखे हैं वो पढ़ेंगे। फिर आपको ये पढ़ के अपनी बुक में लिखना है। पहले आपको ये रीड करना है एक बार और याद करना है, ताकि आपको ये मात्रा पहचान में आए और आप अच्छे से रीड कर पाओ। तो ये तो बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? ये है, देखो यहाँ पे पिक्चर के नीचे उनका नाम लिखा है। तो क्या है ये? म री की मात्रा मृग ग। तो कौन सा शब्द बना? मृग। म री की मात्रा मृग ग मृग। फिर ये क्या है? ये है, इनके नीचे देखो, ये पिक्चर के नीचे इनका नाम बन रहा है, तो हम इसे पढ़ेंगे। क री की मात्रा कृषक। तो क्या बना? कृषक। क के नीचे री की मात्रा आई। देखो मैंने बताया था ना कि इंग्लिश का अल्फाबेट है सी, उनके नीचे क जो भी वर्ण होता है उनके नीचे ये री की मात्रा लगती है। तो क्या बन जाए? क के नीचे लगती तो क्री कृषक। फिर क्या है? फिर है ये पिक्चर। ये किसका पिक्चर है? ये है, देखो यहाँ पे नाम लिखा है ब री की मात्रा छ वृक्ष। क्या हुआ? कौन सा शब्द बना? वृक्ष। फिर देखो यहाँ पे नीचे ये है, ये देखो ये पिक्चर के नीचे भी उनका नाम लिखा है, ये हम पढ़ेंगे न री की मात्रा नृप। तो क्या पढ़ेंगे? नृप। क्या है ये? कौन सा पिक्चर? नृप। फिर क्या है ये? ये है प री की मात्रा पृथ व और बड़ी की मात्रा वी। तो कौन सा शब्द बना? पृथ वी पृथ्वी। क्या बना? पृथ्वी। फिर देखो ये ग री की मात्रा ग्री ह। क्या बना? ग्री। कौन सा शब्द बना? ग्री। अब हम ऐसे कुछ री की मात्रा के दो वर्ण के शब्द पढ़ेंगे। आप लोगों को भी ये याद करना है और अपनी बुक में लिखना है। ये क्या है? ध। ध पे री की मात्रा धृत। म म पे री की मात्रा मृत मृत। क क पे री की मात्रा कृत कृत। क क पे री की मात्रा क्री प प पे आ की मात्रा पा न कृपाण। क क पे री की मात्रा कृतज्ञ कृतज्ञ। ध ध पे री की मात्रा धृ न पे आ की मात्रा न धृणा। क क पे री की मात्रा क्री प पे आ की मात्रा पा कृपा। व व पे री की मात्रा वृ थ पे आ की मात्रा था पृथा। प प पे री की मात्रा प्रि थ पे आ की मात्रा था पृथा। त त पे री की मात्रा त्रि श पे आ की मात्रा शा त्रिशा। फिर देखो ये तीसरी लाइन क क पे री की मात्रा क्री श श पे बड़ी की मात्रा शी कृषि। क क पे री की मात्रा क्री त त पे छोटे ई की मात्रा ती कृति। फिर अ आ क्र क पे री की मात्रा क्री त पे छोटे ई की मात्रा त्री आकृति। प प्र क पे री की मात्रा क्री त पे बड़ी की मात्रा ती प्रकृति प्रकृति।
ग ग पे रे की मात्रा ग्री, ह पे छोटे की मात्रा ही, न पे बड़ी की मात्रा ली, गृहिणी। फिर ये तीन वर्णों के कुछ शब्द है। अ म पे रे की मात्रा मृत अमृत, न न पे रे की मात्रा नृ नृ त क नृतक, प प पे रे की मात्रा प्रे थ क पृथक, म म पे रे की मात्रा मृ ण ण पे आ की मात्रा ण ल मृणाल। फिर क्या है, ये कौन सा स्वर है, रु रु ऋषभ। क्या पढ़ेंगे इसे, री, क्या है ये, री से ऋषि ऋषभ। फिर क्या है ये है क पे री की मात्रा कृष्णा, ण पे आ की मात्रा लगी हो तो कैसे पढ़ेंगे, कृष्णा। फिर क पे री की मात्रा क्री, त पे छोटी की मात्रा ती का, क पे आ की मात्रा है तो का कृतिका, क पे री की मात्रा क्री, प पे आ की मात्रा पा, न पे छोटी की मात्रा नी, ध पे बड़ी की मात्रा धी, कृपा निधि कृपा निधि। फिर क्या है, व पे री की मात्रा ब्रिन, द पे आ की मात्रा दा। इस पे देखो व पे अंक की मात्रा भी लगी हुई है तो वृंदा, ऐसे न का उच्चारण करेंगे इन दोनों के बीच में, वृंदावन। क्या पढ़ेंगे इसे, वृंदावन। फिर क्या है, म म पे आ की मात्रा मा, त पे ही की मात्रा त्री, व पे बड़े उ की मात्रा भू, म पे छोटी की मात्रा मी, क्या हुआ, मातृभूमि। तो बच्चों आप लोगों को ये शब्द एक बार पढ़ने हैं और अपनी बुक में लिखना है। सो आप लोगों को ये री की मात्रा समझ में आई, आप लोगों को ये याद करना है और अपनी बुक में लिखना है। थैंक यू।